सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है। हमारा पता है नई गल्ला मंडी के आगे खुरई रोड सागर। निवेदक पूनम बीरेन पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, खुरई रोड सागर। अपनी सेना को जानिए के स्लोगन के साथ सागर में सहबाज डिवीजन द्वारा भव्य आर्मी मेला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन में आर्मी के अफसर जवानों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एनसीसी कैडेट्स के अलावा शहर के नागरिकों, युवाओं, बच्चों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी को अपनी सेना को जानिए का नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत इन्फेंट्री बटालियन के हथियार और तोपखाना रेजिमेंट की तोपें व सर्विलेंस उपकरण, जो कि हमारी सेना को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, उसका प्रदर्शन किया गया। शाहबाज डिवीजन द्वारा सागर में आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने आर्मी परेड ग्राउंड में एक सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेनाओं में अपनी सेवा देने के इच्छुक विद्यार्थियों को सेना में विभिन्न प्रकार की कमीशन व भर्ती प्रक्रिया को बताने के लिए एक सूचना केंद्र का आयोजन किया गया। इसके अलावा मार्शल धुन को मिलिट्री बैंड ने प्रस्तुत किया। मेले के माध्यम से जिज्ञासु लड़के व लड़कियों को हथियारों को समीप से देखने का अवसर प्रदान किया गया। सर, एटारसी से आए हैं हम लोग, सर एनसीसी कैडेट बन के। सर यहाँ, सर हमको यहाँ देखने को बहुत सी चीज़ें मिली। सर ये मेला बहुत अच्छा है सर, जिसमें बहुत से नए नए वेपन्स मिले देखने को, और सर बहुत से सरों से मिलने का मौका मिला। सर बड़े बड़े सरों से मिलने का मौका मिला। सर आर्मी को जानने का मौका मिल पाया, जिससे हमको सर एक अंदर से इच्छा जागी कि आर्मी में, सर एक आर्मी में ज्वाइन होना है, इंडियन आर्मी को अच्छे से जान पाए। और सर और भी सर यहाँ जगह जगह से लोग आए, उनसे मिलने का मौका भी मिल पाया। और मैं भोपाल पुलिस की तरफ से आया हुआ हूँ और मैं इटारसी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मैंने एनसीसी थी, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा। मुझे पहले एनसीसी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने ज्वाइन की मुझे अच्छा लगा। यहाँ जगह जगह उनको घूमने को मिलता है और नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। और ग्वालियर से आया हूँ और यहाँ पर दाना में आर्मी अटैचमेंट कैंप करने आया था यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग गन मशीन, ऐसे मतलब रॉकेट लॉन्चर, अलग अलग मतलब चीज़ों के बारे में जानने जानकारी प्राप्त हो रही है, इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, इससे युवा वर्ग पीढ़ी को मतलब आकर्षित होते रहना चाहिए, और इससे मतलब अन्य अन्य माध्यम जानकारी प्राप्त होती है।